हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, फाइनली होंडा ने आज अपनी हॉर्नेट को लॉन्च कर दिया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चेंजेस के साथ बाइक को लॉन्च किया गया है। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको इस बाइक में अब देखने को मिल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं होंडा ने इस बाइक में। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इस बाइक का वेट कर रहे थे काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा खुशखबरी रहने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले जो आपको बाइक अपडेट्स है वो अपने ब्रो के चैनल पर ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको प्राइसिंग देखने को मिलता है और क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने इसमें किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करना चाहेंगे इस बाइक के नाम के बारे में। तो इस बाइक का जो नाम है वो फ्रेंड्स कंपनी ने चेंज कर दिया है। इसका जो नाम है अब उसे अब कंपनी ने रखा है होंडा हॉर्नेट 2.0। तो ये अब 2.0 मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे फ्रेंड्स, जो मेजर आपको इसका चेंज देखने को मिलेगा वो आपको इसके इंजन में देखने को मिलेगा। इसका इंजन जो है वो अब 200cc का हो गया है, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको 16.1 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। क्लास लीडिंग टॉर्क आप इसे बोल सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 0 to 200 meter का जो डिस्टेंस है ये मात्र 11.25 seconds में रीच कर लेता है, कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है। तो काफ़ी अच्छा पिकअप और परफॉर्मेंस के साथ अब आपको इसका इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको होंडा का ही काफ़ी अच्छा एक इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको होंडा के ESP वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी लो फ्रिक्शन वाला इंजन रहने वाला है और काफ़ी स्मूथ आपको इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें कि अब आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको सारे मॉडर्न फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर वगैरह। और इसका जो मीटर है वो आपको फ्रेंड्स नेगेटिव मीटर देखने को मिलेगा, जिसमें कि फ्रेंड्स जो ब्राइटनेस है आप उसे कम ज़्यादा कर सकेंगे अपने अकॉर्डिंग। मतलब इसका जो ब्राइटनेस है वो आपको एडजस्टेबल डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको वोल्टेज मीटर भी देखने को मिल जाएगा, बैटरी वोल्टेज मीटर, जो कि देखा जाए तो एक काफ़ी मतलब अच्छा फीचर हो जाता है इसके मीटर कंसोल के हिसाब से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके लाइट्स के बारे में। तो इसमें आपको फुल्ली LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसमें फ्रंट में आपको LED लाइट्स मिल जाएगा और इसमें इंडिकेटर से जो है वो भी आपको चारों इंडिकेटर्स जो है वो आपको LED देखने को मिल जाएंगे। और इसमें रियर का जो टेल लाइट है वो भी आपको LED देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने इस बार जो इस बाइक का प्रीमियमनेस है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब आपको ये काफ़ी प्रीमियम लुक्स के साथ देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको फुल्ली LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सस्पेंशन के बारे में। इसमें आपको फ्रंट में USD फोक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं कि क्लास लीडिंग आपको देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं इसके रेयर में, तो रेयर में आपको मोनोसॉक्स देखने को मिलेगा और इसका फ्रंट का जो USD फोक्स है वो आपको गोल्डन कलर में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी प्रीमियम अपील देगा इस बाइक को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके टायर्स के बारे में। तो इसमें आपको काफ़ी वाइड टायर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको रेयर में 140mm का कंपनी टायर ऑफर करेगी, जिससे कि जो हायर स्पीड्स पर स्टेबिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें, तो आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिक फीचर है जो कि इस बार कंपनी ने ऐड कर दिया। और इसमें फ्रेंड्स आपको हैजार्ड लाइट का भी स्विच देखने को मिल जाएगा, जिससे कि फ्रेंड्स आप अपने चारों इंडिकेटर्स को एक साथ जला सकेंगे, जो कि आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता था, बट कंपनी ने इस बार इसमें इनबिल्ट दे दिया है। और बात करते हैं फ्रेंड्स अब इसके सीट के बारे में। तो इसमें आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देगा इस बाइक को। और इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो भी आपको पहले से काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अब कंपनी इस बार आपको स्प्लिट सीट्स ऑफर करेगी। और बात करते हैं इसके टैंक का, तो इसका टैंक का जो डिज़ाइन है उसे भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, इसे काफ़ी एग्रेसिव लुक्स के साथ कंपनी ऑफर कर रही है। और बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस की, तो इसमें टोटल फ्रेंड्स आपको 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो कलर ऑप्शंस है आप उसका पिक्स देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छा ग्रे, ब्लैक, रेड और ब्लू कलर में आपको ये बाइक्स देखने को मिल जाएगी। तो इसका कलर ऑप्शंस भी आपको काफी ज्यादा कंपनी ऑफर कर रही है। और इसका जो की का जो पोजीशन था उसे भी कंपनी ने चेंज कर दिया है, वो आपको हैंडल बार्स के हट कर अब आपको इसको टैंक में आपको इसका की देखने को मिल जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस कंपनी ने इसमें किया है और काफ़ी एक प्रीमियम बाइक अब ये बनकर आ गई है। तो अगर फ्रेंड्स आप भी इस बाइक का वेट कर रहे थे तो आपका वेट ओवर हो गया है। कंपनी ने इस बाइक को आज फाइनली लॉन्च कर दिया और ये बाइक फ्रेंड्स आपको जल्द ही शोरूम्स पर देखने को मिल जाएगी। हो सकता है फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ से ये बाइक आपको शोरूम्स पर देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस बाइक को लेना चाह रहे थे तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो कंपनी ने अभी तक प्राइसिंग कुछ रिवील नहीं किया है, बट अप्रॉक्स में जो इसका प्राइसिंग है वो आपको 140,000 rupees के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आए, अगर प्राइसिंग थोड़ा सा हायर साइड पर भी चला जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको काफ़ी अच्छा इसमें ऑफरिंग्स भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 160cc सेगमेंट की बाइक लेने का नहीं सोच रहे थे तो अब आप इसके लिए जा सकते हैं। और अगर आपको 160 में लेना है तो इसकी X-Blade के लिए भी आप एक बार देख सकते हैं, जिसे कि कंपनी ने पहले ही लॉन्च कर दिया है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में फुल अपडेट्स। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।